अक्सर छात्र और उनके अभिभावक इस बात को लेकर असमंजस में रहते हैं कि 10वीं और 12वीं के बाद क्या किया जाए। इसी को ध्यान में रखकर हशु अडवाणी विचार मंच के अध्यक्ष धर्मराज पांडे के प्रयास से चेंबूर कैंप स्थित सनातन स्कूल कॉलेज के 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए करियर गाइडेंस का आयोजन किया गया, जिसमें वरिष्ठ वैज्ञानिक और वक्ता अखिलेश कुमार अग्रवाल ने छात्रों का मार्गदर्शन किया। चालीस साल 42 साल से अपने यहाँ के लाडले नेता हशु अडवाणी जी, उनके साथ में, उनके नेतृत्व में, उनके सानिध्य में मैं यहाँ पर काम करता रहा। और 1996 में उनके देहांत होने के बाद मैंने विचार किया कि हशु जी ने यहाँ के चेंबूर की जनता के लिए, चेंबूर के समाज के लिए, हर वर्ग के लिए, खासकर जो है शिक्षा के क्षेत्र में, जिसे एजुकेशन कहते हैं, एजुकेशन के क्षेत्र में उन्होंने बड़ा योगदान दिया है। और उनके इस योगदान को जो है हम उनके नाम पे एक संस्था बनाए और उनके योगदान को जो है हम जनता के बीच में ले जाए। तो सबसे पहले मैंने विचार किया कि किस वर्ग के पीछे ले जाना है अपने को। तो मेरा विचार किया कि जो जम्मू पट्टी में जो गरीब जनता रहती है, मैं देखा हूँ, मैं अपने नजदीक से मतलब कार्य करता हूँ, समाज सेवा करता हूँ, मैंने देखा कि बहुत से बच्चे जो है ये पैसे की वजह से और आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से जो है मतलब 10वीं 12वीं देते हैं और दूसरे मतलब जैसे उनके करियर बनाना चाहते हैं, करियर बनाना, लेकिन वो नहीं कर पाते हैं। तो मैंने विचार किया कि उनको प्रोत्साहन देना कि आप एजुकेशन करिए, हम अपनी संस्था के माध्यम से आपको जो है हर संभव जितने में से हो सकेगा हम अपनी संस्था के माध्यम से आपको मदद करते हैं। तो मैं उस 98 से जो है मैं गरीब बच्चों को पढ़ना, जो विधवा के जो बच्चे हैं जो उनको यूनिफॉर्म नहीं ले पाते, भांडी घसकर, दूसरे घरों में भांडी घसकर, कपड़ा धोकर अपने जीविका चलाते, अपने बच्चों का जीविका चलाते, एजुकेशन दिलवाते हैं, ऐसे बच्चों को गणवेश दिलाना और फीस की जैसे नहीं दे पाते हैं तो उनको फीस का बंदोबस्त कराना, ऐसे जो है आज तक मैं करता रहा। अब तो मैं ये 10वीं और 12वीं के बाद जो बच्चे झुंपा पट्टी में जो रहने वाले जो बच्चे 60% ऊपर जो लाते हैं उनका मैं हर वर्ष उनका मैं एक सत्कार कार्यक्रम देता हूँ। 60% 70-80-90% जो लाते हैं, यहाँ तक 90% भी लाने वाले तो 10x10 के रूम में जो है एजुकेशन करके, मेहनत करके 90% के ऊपर लेके आते हैं, ऐसे बच्चों का सत्कार करना, उनको प्रोत्साहन देना। अगर वो फीस की अरेंजमेंट नहीं कर पाते तो उनका फीस का अरेंजमेंट करवा के देना, उनका हर संभव मदद दिलवाना, ये सब मैं करता रहता हूँ। अब जो है एक कदम आगे जाकर जो है मैं अब हर स्कूल में जो है करियर गाइडेंस, जो बच्चों को इतना जानकारी नहीं रहती कि 10वीं 12वीं के बाद मुझे क्या करना है, और बच्चे जो है आपस के बच्चों के आप बोलने के आधार पर वो लोग गलत मतलब कदम ले लेते हैं, जिसकी वजह से वो जैसा जो एजुकेशन को लेना चाहिए था अपने करियर के अनुसार वो नहीं ले पाते हैं। तो मैंने अभी विचार किया हूँ कि चेंबूर के हर स्कूल कॉलेज में जो है 10वीं और 12वीं के जो बच्चे हैं कि भाई आपको 10वीं 12वीं के बाद क्या करना है, कैसे आपको 10वीं 12वीं में एग्जाम देना है, इसके बारे में गाइडेंस का प्रोग्राम जो है शुरुआत मैंने आज यहाँ सनातन धर्म से किया हूँ। और ये हर चेंबूर के हर स्कूल में, कॉलेज में मतलब ये कार्यक्रम होता रहेगा, ये जनवरी फरवरी बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि शुरुआत में जब मैं कैरियर गाइडेंस का कार्यक्रम शुरुआत किया मैंने, तो उस समय मुझे पेशेवर जो है गाइडेंस लोगों को बुलाना पड़ता था और उनका फीस जो है एक घंटे का जो है 20-22 हज़ार रुपये देना पड़ता था। लेकिन धीरे धीरे मेरा संपर्क जो है एक अपने अखिलेश कुमार अग्रवाल जी से हुआ, जो कि मैं गवर्नमेंट फील्ड में है, तो उनका उनसे परिचय होने के बाद मुझे मालूम पड़ा कि ये करियर गाइडेंस करते हैं तो और फ्री सेवा देते हैं। और आज 4 साल से मैं उनको लगातार बुला रहा हूँ और वो फ्री सेवा दे रहे हैं और आज भी जो है
उन्होंने मतलब उन्होंने कहा है कि मुझसे जितना बन सकेगा आप पांडे जी स्कूल कॉलेज और यहाँ पर जो है बच्चों का मार्गदर्शन का कार्यक्रम करवाइए। मैं जितना मुझे हो सकेगा मैं शनिवार और रविवार का अपना समय देकर जो है बच्चों को गाइडेंस करूंगा और बच्चे अच्छे मार्ग पर जाए, अच्छे इंजीनियर हो सब बने, यही हमारी जो है शुभकामनाएं हैं। और उन्होंने आज जो है शुरुआत किया है और हर स्कूल कॉलेज के इसमें जो है अपना कैरियर गाइडेंस करने वाले हैं। मैं इस विद्यालय का संचालक हूँ और मैं इसे बहुत महत्वपूर्ण समझता हूँ कि कैरियर गाइडेंस जो है वो बहुत ही जरूरी है हमारे विद्यार्थियों के लिए। आज विद्यार्थियों का क्या है कि उनको जो है उनके अंदर कॉन्फिडेंस कम होता जा रहा है, उनकी पढ़ाई की तरफ ध्यान कम जा रहा है। उसका कारण एक है मोबाइल। मोबाइल की वजह से बच्चे दिन भर मोबाइल से खेलते रहते हैं। जैसे आज हमारे अग्रवाल जी आए हैं बींग ए साइंटिस्ट, उन्होंने एक बहुत अच्छा विषय चुना है और एक मंच जो आशु जी के विचार मंच के द्वारा हमारे पांडे जी ने ये रखा हुआ है, मैं कहता हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंस है हमारे स्टूडेंट्स के लिए और मैं उनको धन्यवाद भी देता हूँ याफ आप श्री स्नातक धर्म विद्यालय और जूनियर कॉलेज की तरफ से कि इस तरह से उन्होंने अपना समय निकालकर हमारे बच्चों को गाइड कर रहे हैं और मैं आशा करता हूँ कि इसका हमारे बच्चों को बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा और जीवन में उनको सफलता मिलेगी। इसके लिए धन्यवाद। कैमरामैन रोशन गायकवाड़ के साथ संध्या श्रीवास्तव, ग्लोबल चक्र न्यूज़, मुंबई।